जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे कि आप ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 100 से कम और उसके आसपास है। आसपास मतलब 92, 93, 94, 95 या 100 से कम भी है और आसपास भी है। तो अब हम ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई की ट्रिक देखेंगे। तो ये है ट्रिक नंबर 3। इस ट्रिक को देखने के बाद आप कैलकुलेटर को तो घर से बाहर ही रख देंगे, क्योंकि इसको सीखने के बाद आप 5 सेकंड के अंदर ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, 96 मल्टीप्लाई 97। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इनका डिफरेंस 100 से कितने कम है ये लिखना होगा। सो 96 100 से कितना कम है, 4। तो ये हो जाएगा -4। उसके बाद 97 100 से कितना कम है, 3। तो ये हो जाएगा -3। तो ये 96 100 से 4 कम है और 97 100 से 3 कम है। ये है फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, इस नंबर को 96 में से 3 माइनस कर दो या 97 में से 4 माइनस कर दो। कि अगर 96 माइनस 3 करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो 97 माइनस 4 करोगे। तो आप दोनों में से जो सही लगे उससे माइनस कर सकते हो। तो फिलहाल हम 96 माइनस 3 करें तो आएगा 93। तो यहाँ पे हम 93 लिख देंगे। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, जो हमने ये डिफरेंस निकाला था कि 100 से ये दोनों नंबर कितने कम है, तो जो डिफरेंस आया हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। सो 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 सा 12। तो आंसर आ गया 12 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 9312 करेक्ट आंसर है। आया ना कैलकुलेटर से भी फास्ट। तो इस वीडियो को पूरी देखो ट्रिक से अच्छे से सीखने के लिए। तो नेक्स्ट है 94 मल्टीप्लाई 98। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। सो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है। तो यहाँ लिख देंगे -6। अब है 98। सो 98 100 से कितना कम है, 2। तो यहाँ लिख देंगे -2। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, या तो 94 में से 2 माइनस कर देंगे या फिर 98 में से 6 माइनस कर देंगे। दोनों में से किसी को भी माइनस करो आंसर वही आएगा। तो अब हम 94 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 92। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या है, जो डिफरेंस आया, मतलब ये नंबर 100 से कितने कम है उसका जो डिफरेंस आया उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 6 है और यहाँ पे 2, इन दोनों का डिफरेंस, तो 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 सा 12 और ये आ गया आंसर 9212। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 91 मल्टीप्लाई 97। सो 91 100 से कितना कम है, -9, मतलब 9 कम है, और 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ लिख देंगे -3। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, या तो 91 में से 3 माइनस कर देंगे या 97 में से 9 माइनस कर देंगे। दोनों में से जो -91 -3 जो आंसर आएगा वही 97 -9 आएगा। तो 91 -3 आएगा 88। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, जो डिफरेंस आया इन नंबर्स का, तो ये डिफरेंस कितना आया है, 9 और 3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9 3 27 और ये आ गया आंसर 8827। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये है 89 मल्टीप्लाई 95। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों का 100 में से कितने कम है यहाँ पे लिखेंगे। तो 89 100 में से कितना कम है, 11 कम है। तो यहाँ लिख देंगे -11। अब 95 100 में से कितना कम है, 5 कम है। तो यहाँ लिख देंगे -5। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, या तो 89 में से 5 माइनस कर देंगे या 95 में से 11 माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करने पर एक ही आंसर आएगा। तो हम 89 माइनस 5 करेंगे। सो 89 माइनस 5 होगा 84।
अब क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया इन दोनों नंबर का 100 में से तो वो कितना है 11 और 5। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 11 5 55 और ये आ गया यहाँ पे आंसर 8455 ही इसका आंसर है। तो आज के लिए एक ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट 5 सेकंड के अंदर, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताइए। करना क्या है, इन दोनों का पहले 100 में से डिफरेंस निकाल के उसके बाद जो यहाँ पे मैंने स्टेप्स बताए उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।